सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी गाइस सुबह 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 हो चुकी है एंड आज मैं दीदी के घर पे रुका हुआ था। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं कहीं रोड ट्रिप पे, जहाँ पे भाई हम अपनी न्यू बाइक लेके जाएंगे, वो भी भाई के साथ। एंड भाई सुबह सुबह इस बंदे की हरकतें देखो गाइस, स्टार्ट हो चुका है सुबह सुबह, मतलब उल्टा हेलमेट डाल रहा था ये। अभी बोल रहा है कि भाई हमको घूम के आना है, कहीं पे भी जाना है और घूम के आना है। मैं कहा चलो ठीक है। बोल रहा है नहीं बाइक है मामू, घुमा के लेके आओ, तभी लेके चलते हैं इसको। देखो गाइस कितना एक्साइटेड है। गाइस यहाँ पे यूवी स्टार्ट हो चुका है घूमने के लिए, बोल रहा है चलते हैं। तो गाइस चलते हैं, चले यूवी। चलो फिर बाइक निकाल दे बाहर। मैं निकाल लूं? हाँ तू निकालेगा, और कौन निकालेगा? आपकी बाइक है तो तू निकालेगा ना। गाइस हमने नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया है, नाश्ता तो नहीं किया बट हाँ चाय वगैरह पी लिया है। एंड अभी गाइस मैं और यूवी यूवी को थोड़ा घुमा के लेके आ रहा हूँ यार न्यू बाइक पे। तो गाइस कब से बोल रहा है मेरे को, मैंने कहा कि भाई चल यार, तो मैं सुबह सुबह आ चुका था मेरे पास, मतलब मेरे को उठाने कि मामू जी मेरे को घुमा के लेके आओ। तो अभी एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा, देखो। तो इसको घुमा के लेके आते हैं एंड फिर आके थोड़ा खाना वाना खा के और फिर चलते हैं भाई, आज एक लॉन्ग ट्रिप पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अभी हम घूमने के लिए आए थे एंड इधर पे आप लोग देख सकते हो बहुत से बंदे यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। एंड साथ में भाई मैं भी इधर पे आके अपना खड़ा हो चुका हूँ, क्योंकि गाइस यू भी बोल रहा है मेरे को आगे जाना। यू भी कहाँ जाएगा? देवीलाल पार्क जाऊंगा। भाई ये बोल रहा है कि देवीलाल पार्क जाएगा, बट इसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई उधर पे लेट हो जाएंगे, क्योंकि यार इतनी दूर नहीं लेके जा सकता ना मैं इसको, यार समझ रहे हो ना, छोटा बच्चा है तो कोई पीछे पकड़ने पीछे बैठा रहता ना, कोई पकड़ने वाला रहता तो मैं लेके जा सकता था, क्योंकि यार इधर पे भाई ट्रैफिक बहुत चलता है तो मेरे को डर लगता है यार बच्चों को ले जाने में। सीधी बात ये है, बोला था फिर स्कूल में जाना है, मैंने कहा स्कूल वकूल में कहीं नहीं, अब वापस चलो। तो भाई ये बहुत प्यारा बच्चा है, मान जाता है ये, चले फिर वापस। तो गाइस चलो फिर वापस चलते हैं अपने घर पे। फाइनली हम अपना वापस आ चुके हैं एंड ये बंदर भाई बहुत शरारती है। अरे गेट तो खोल दे तू। अरे ऊपर से बता है, तू खोलेगा ना, तू बड़ा होगा। तो अभी तो बोल रहा था मैं बड़ा हो गया हूँ, छोटा नहीं, आ जा गेट खोल। तो गाइस चलते हैं अभी गेट खोल लेते हैं अपना। गाइस अभी मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ एंड बाल वगैरह थोड़े सूखने रह रखे हैं इसलिए थोड़े बेकार लग रहे हैं, तो इग्नोर मारना। एंड अभी थोड़ा खाना वाना खा के फिर चलते हैं। एंड भाई अपने साथ जाने वाला है आज, मेरा भाई है जो, ये गाइस मेरे साथ जाएगा। तो आज हम दोनों पूरा घूम के आएंगे मस्त कहीं कहीं पे, भाई बाइक लेके जाएंगे आज फुल मजे का। अरे ये लात मार रहा, देखो गाइस अपने मामू को, कितना गंदा लड़का है ये। शिकायत कर दो तेरी, शिकायत कर दो क्या, कर दो शिकायत, हंसी आती है। तो गाइस अभी हम अपने घर जा रहे हैं एंड इधर पे भाई सीन क्या हुआ, ये भाई ये देखो गाइस, ये बंदा रोने लग गया, बोल रहा मामा जी जाओ मत, मतलब देख रहे हो लौंडे का प्यार, देख रहे हो आप लोग। ये देखो गाइस रो रहा कब से, बोल रहा भाई मेरे को जाना है साथ में। तो चलो गाइस अभी जा रहे हैं, मेरे को भी दे दे मिट्टी बस। तो गाइस अभी जा रहे हैं, बाय। नाराज है अभी भी, इसको घुमा के लेके आया, थोड़ा खुश हो गया। तो गाइस चलते अभी, बाय यूवी, बाय कर, हेलो बाय, फिर आना, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी चलेंगे कहीं मस्त जगह पे, लाइक ऋषिकेश, अगर देखते हैं अभी मैप में भाई उधर का प्लान अगर बन जाए तो जल्दी जल्दी से जाते हैं, मजा आने वाला है गाइस आज फुल। तो गाइस यहाँ पे हमारा ऋषिकेश जाने का प्लान कैंसिल हो चुका है, जो हमारी प्लानिंग बनी है वो बनी है चंडीगढ़। लेकिन गाइस आप लोग को चंडीगढ़ से आगे भी मैं जाने की कोशिश करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि गाइस हम शिमला तक जाएं, मतलब भाई बहुत मस्त वाली जगह है, आप लोग को मजा आने वाला है। पूरा का पूरा व्लॉग एंड तक देखना, बहुत ज्यादा मजा आप लोग को आने वाला है। तो गाइस इतना प्यारा व्यू आप लोग देख सकते हो सामने, कितनी हसीन वादियां हैं, मतलब भाई बंदा अगर इधर पे आ जाए ना भाई मोहित हो जाएगा बंदा। यहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके हैं एंड भाई कैसा लग रहा है इधर पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, हम चंडीगढ़ का गाइस हमने प्लान बनाया था चंडीगढ़ का, और गाइस हम उससे भी आगे आ गए हैं, और अभी हमारा प्लान है पैराग्लाइडिंग करने का। जू वगैरह सब छूट चुका है गाइस, हम जू में जाने वाले थे, जू भी हमने छोड़ दिया भाई, हम इधर की तरफ आ गए हैं। और इधर पे गाइस आप लोग व्यू देखो, और इधर पे हम चाय पीने के लिए रुके हुए हैं, जो कि अंकल बना रहे हैं इधर पे। तो गाइस इधर पे चाय पी के फिर चलते हैं आगे एंड पैराग्लाइडिंग आज देखेंगे करके हम। तो गाइस हमने चाय वगैरह पी ली है और अभी भाई हमारे साथ रेडी हैं जाने के लिए। एंड मेरा हेलमेट किधर है भाई? भाई मेरा हेलमेट उधर ही छोड़ा है यार, गरीब को कोई देखता ही नहीं है गाइस, वो मेरा हेलमेट रखा, मतलब दो दो बंदे हम हेलमेट लगा के चल रहे हैं।
तो चलते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे आते हो ना, मैं एक चीज देख के बहुत हैरान हूँ गाइस। यहाँ पे ना कम से कम 10 किलोमीटर से मैं चल रहा हूँ बाइक पे, एंड गाइस तब से लेकर ना अभी तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। मतलब पूरी गाड़ियाँ आप लोग देख सकते हो साइड में, भाई हर टाइप की गाड़ी इधर पे लाइन में लगी हुई है और बहुत ज़्यादा लंबी है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक लगी हुई है और खाइस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो गाइस जब मैंने रुक के इस चीज़ का रीज़न पूछा तो गाइस मेरे को जानने को मिला कि यहाँ पे कोई बाबा आए हुए हैं। तो मेरे को तो नहीं पता कि कौन बाबा है वो, तो भाई उनके मतलब वो इधर पे आए हुए, तो गाइस उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए इधर पे इतनी ज़्यादा लोग आए हुए, इतनी ज़्यादा जनता आई हुई है। तो भाई यहाँ पे आप लोग देखो भाई, बाकी मज़ेदार पूरा इधर पे, मतलब पहाड़ी वहाड़ी ऊपर देखो गाइस, जंगल टाइप का देखो, कितना मस्त लग रहा है। तो गाइस अभी हम थोड़ा सा रुके थे यहाँ पे, क्योंकि गाइस यार कब से मैं बैठा हुआ हूँ बाइक पे, और अभी अभी यार जैसे कि आप लोगों को पता मैंने जिम भी स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से गाइस मेरा पूरा बॉडी पेन हो रहा है। एंड इधर पे गाइस अपना भाई वहाँ पे गया हुआ है, ये आ गया भाई पीछे, तो भाई आ चुके हैं। एंड मजा भी आ रहा है गाइस, अभी थोड़ा पानी वानी पियेंगे, एंड कहीं पे कुछ अच्छा सा होटल वगैरह मिलेगा तो गाइस उधर पे खाना वाना खाएंगे। एंड भाई हर जगह पे यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, देखो गाइस पीछे की साइड पे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मतलब भाई बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एंड गाइस पैराग्लाइडिंग तो यार आज हो नहीं पाएगी, क्योंकि गाइस बस क्या ही बोल रहे यार पैराग्लाइडिंग का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और भी आगे जाने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ऊपर देखते हैं भाई बादलों बादलों में पहुंच जाएंगे, इधर बादलों बादलों को टच करके देखेंगे फिर। तो ये देखो भाई, भाई इधर पे ठंड है ना, बहुत बहुत ठंड है भाई। गाइस यहाँ पे मैं आप लोग को पानी ठंडा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठंडा ही है। और इधर पे गाइस पता है 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है, और हमारे एरिया में ज्यादातर 45 या 46 के आसपास रहता है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब हमारे लिए, मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा गर्म तापमान में रहने वाला बंदा जब इधर पे आएगा तो उसको तो ठंडा लगेगा ही। भाई इधर पे रहा ना मैं थोड़े दिनों में गोरा वोरा हो जाऊंगा फिर मैं। तो भाई चलो अभी चलते हैं आगे की तरफ, एंड थोड़ा देख लेते हैं यार कुछ पानी वानी मैं भी पी लूँ यार, और मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही है, क्या करें। तो गाइज यहाँ पे हम फिर से रुक चुके हैं, क्योंकि गाइज हमने यहाँ पे थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो गाइज इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सैंडविच लेने के लिए रुके हैं और खा के। भाई यहाँ पे हमको दुकान मिली थी खतरनाक वाली, पहाड़ों पे यही सब सीन होता है, ऐसी दुकानें मिलती हैं। तो भाई इधर पे अभी खा के चलते हैं भाई, तो यहाँ पे भाई भी लगा हुआ है खाने के लिए, एंड ये खा के चलते हैं गाइस। और ये रेस्टोरेंट बहुत ख़तरनाक वाला रेस्टोरेंट है गाइस, मज़ा आता है ऐसी जगह पे खाने में। सामने पहाड़ है देखो गाइस, और इधर पे हम खा रहे हैं, मस्त मज़ा आ रहा है। तो भाई लोग हमने खाना वाना खा लिया है, एंड इधर पे आप लोग देख सकते हो भाई कितने सुंदर सुंदर पहाड़ भाई, मतलब घाटियाँ हैं, क्या ही मस्त लग रही हैं भाई, अलग ही लेवल का फील दे रही हैं। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, और गाइस अभी हम जाने वाले हैं साध्विक फॉल पे, तो गाइस देखते हैं उधर पे हमको देखने को मिलता है कि नहीं। तो गाइस मैं और भाई अभी साध्विक फॉल पे आए थे इधर नीचे, जो कि भाई बहुत नीचे है, एंड भाई इधर ना मतलब पहाड़ से उतर के जाना था, तो गाइस हमने कर दिया प्लान कैंसिल, क्योंकि गाइस अभी यार आप लोग समझ सकते हो यार लेट हो जाएंगे, फिर हमको घर भी जाना है। एंड भाई मेरे एंड गाइस मेरे हेयर स्टाइल वगैरह को इग्नोर करना, क्योंकि गाइस अभी ना मेरे मतलब बाल वगैरह सब खराब हो रखे हैं हेलमेट के अंदर, तो अभी बस जा रहे हैं। और भाई इधर पे ना थोड़ी ठंड है, और गाइस ज़्यादा ही ठंड बढ़ जाएगी, और मैं भी कुछ कपड़े नहीं लेके आया, बस एक टी शर्ट में आया हूँ। और गाइस मेरा अचानक से प्लान बना था, मैं दीदी के घर था आप लोग को जैसा कि पता है, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं। और गाइस हम इतने में 200-250 किलोमीटर हम क्रॉस कर चुके हैं बिना किसी मतलब प्लानिंग के, बिना किसी कुछ के, और गाइस इसीलिए हमारे को प्रॉब्लम हो रही है। और इधर पे भाई भी रेडी हो चुका है, बोल रहा है चलते हैं, एंड मैं भी चलता हूँ। देखो गाइस पूरी चढ़ाई है ऊपर, चढ़ाई ऐसे करते 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 आसमान में पहुंच जाएंगे हम, फिर आसमान से फिर नीचे ऐसे। तो गाइस चलो चलते हैं अपना। तो गाइस अभी पूरी के पूरे मतलब कोहरा, समझते हो ना, धुंध पड़ चुकी है, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऐसा लग रहा है भाई जैसे हम बादलों के अंदर हैं। क्या ही तो व्यू है, देखो गाइस क्या ही तो व्यू है, देखो गाइस यहाँ पे भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ों के बीच से होते हुए हम जा रहे हैं, ये पहाड़ों के बीच से गुफा बनाई हुई है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो गाइस यहाँ पे देखो अंदर क्या ही मस्त है, देखो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग भी देखो, आगे तक बिल्कुल लाइट गाइस पूरा आगे तक पहाड़ के अंदर से निकला हुआ है, मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडा ठंडा है, ठंड हो रखी है इधर पे, सही बताऊँ तो मज़ेदार है। क्या ही मस्त,
गाइस आज बहुत ज्यादा मजा आ रहा है एंड इधर पे कुछ फोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं गाइस। ऐसे भी यार मेरी कमर का कमरा बन चुका है, कमर बहुत दर्द कर रही है रे आ। तो यहाँ से हम निकल गए हैं गाइस एंड इधर पे भाई कमर का क्या हाल है तुम्हारी, मैं पूछ रहा कमर का क्या हाल है पहाड़ों के अंदर से बहुत अच्छा लगा लगा कमर का क्या हाल है कमर इसकी कमर अच्छी है गाइस, मेरी कमर की वाट लगी हुई है। सुबह से गाइस मैं बाइक पे बैठा हूँ, मेरा जोड़ा भी दर्द कर रहा है और गाइस पता ही नहीं है कि नहीं है और भाई बाइक भी पूरी मेरे को महसूस भी नहीं हो रहा गाइस मेरा बैक साइड। और इधर पे गाइस अभी हमने मुंह धोया इधर पे आके पेट्रोल पंप पे, भाई पानी की भी बहुत दिक्कत हो रही, बीच में तो कुछ था ही नहीं तो तब से हम चल रहे हैं। अभी भी थोड़ा आधा घंटा का रास्ता पड़ा होगा ना, हाँ अभी भी आधा घंटा का रास्ता है। तो गाइस अभी भाई ड्राइव करेगा, मैं तो कर नहीं रहा, मेरे को बोलने वाला था ये बट मैं कहा भाई मैं नहीं करूँगा तो ही चला, तो गाइस अभी ये चलाएगा एंड अभी हम चलते हैं। चलो भाई तो गाइस यहाँ पे यार नई बाइक में पता नहीं ये ऑयल टपक रहा है यार, मतलब पता नहीं क्या सीन हुआ, चलो देखते हैं कल इसको दिखाते हैं भाई, अभी तो न्यू बाइक है टपक रहा है पता नहीं क्या सीन है, इसको कल दिखाएंगे गाइस। चलो अभी तो चलते हैं। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड आज के लिए इतना ही, और अभी मैं घर पे जाऊंगा क्योंकि काफी रात हो जाएगी घर पे जाते जाते, तो उस टाइम पर व्लॉग भी ज्यादा सही नहीं रहेगा, तो अभी बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से, 50,000 सब्सक्राइबर आप लोगों को कंप्लीट करने हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।